हाय गाइस, दिस इज प्रतीक्षा सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल लाइफ एंड लिफ्टिंग। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर लीजिए। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही अच्छा है। जैसे कि पहली वाली वीडियो में मैंने मोबिलिटी में बात करी थी, विच इज अ डायनामिक स्ट्रेचिंग। एंड आज हम बात करेंगे कि वर्कआउट के बाद में कौन सी स्ट्रेचेज होने चाहिए। अगर हम वर्कआउट से पहले मोबिलिटी करते हैं तो वर्कआउट के बाद हम करते हैं पैसिव और स्टैटिक स्ट्रेचेस, ठीक है। सो आज इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखना, क्योंकि मैं इसमें बताने वाली हूँ प्रॉपर कि कौन कौन से स्ट्रेचेस आपको करने चाहिए डेली टू इंक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी एंड रेंज ऑफ मोशन। सो कीप वॉचिंग द वीडियो। तो आज सिर्फ हम लोअर बॉडी की स्ट्रेचेस पे बात करते हैं, ठीक है। सो क्यों करनी चाहिए, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। लोग जाते हैं वर्कआउट करते हैं, पहली बात तो लेग्स का वर्कआउट कम ही लोग करते हैं, बट जो लोग करते हैं वो लोग सोचते हैं माय गॉड आई ट्रेन माय लेग्स टुडे और मैंने 300 या 3000 स्क्वाट्स मारे हैं, माय क्वाड्स इज बर्निंग एंड आई हैव अ गुड लेग गेन। सो होता क्या है, वो उस दिन तो करके चले जाते हैं एंड वो स्ट्रेचेस करना भूल जाते हैं, या फिर उनके पास टाइम नहीं होता, या कहते हैं कि यार जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा वर्कआउट कर लिया, अब एनर्जी नहीं है मेरे अंदर कि मैं स्ट्रेचेस भी करूँ। सो वो जाते हैं जिम में, फिर नेक्स्ट डे जब वो जिम के अंदर आते हैं तो उनकी हालत क्या होती है कि उनका ये वाली चीज दोनों कॉन्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, हैमस्ट्रिंग कॉन्ट्रैक्टेड हो जाती है, ये मसल्स रिलीज नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से इनके अंदर सोरनेस बढ़ जाती है। सोरनेस बढ़ने की वजह से होता क्या है, अगर वो दोबारा से कुछ ऐसा फॉर्म यूज करना चाहते हैं, जैसे कि अगर उन्होंने ये सब चीज रिलीज नहीं करी है तो उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है कि उनका स्ट्रक्चर बिगड़ जाए, ठीक है, ये पैलमेंटेट हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है, तो ये सारी इंजरीज हो सकती हैं या इस तरह के पॉस्चर डिफॉर्मिटीज उनके अंदर आ सकती हैं। अगर वो स्क्वाट करने की कोशिश करते हैं विदाउट स्ट्रेचिंग, वो स्ट्रेचेस नहीं कर रहे हैं बहुत टाइम से और स्क्वाट करना चाह रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है उनके साथ कि वो अपना वेट शिफ्ट कर ले एक साइड, तो लेफ्ट साइड उनका वेट जाने लग जाएगा और राइट साइड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है वेट का, जिसकी वजह से उनका फॉर्म खराब हो सकता है स्क्वाट का, ठीक है, और इसकी वजह से सारी इंजरीज स्टार्ट होती हैं पैदा होना, ठीक है। तो अभी क्या करना है, हम लोगों को स्ट्रेचेस के लिए भी टाइम निकालना है, जिससे कि आपके रेंज ऑफ मोशन बढ़े, आपका फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े बॉडी के अंदर, और अच्छे से पॉस्चर के साथ फॉर्म एंड टेक्निक के साथ अपना वर्कआउट करो, ठीक है। सो आज हम थोड़ा सा डेमोस्ट्रेट करते हैं कौन कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी है, कौन कौन सी स्ट्रेचेस आपको करनी है। सो दीज आर द स्ट्रेचेस। फर्स्ट स्ट्रेचेस है आपका ग्लूट के लिए, इसमें कि आप सपोर्ट ले सकते हो, बैक का सपोर्ट ले सकते हो एंड देन नी बेंड करके उसको स्ट्रेच करना प्रॉपरली एज यू कैन सी इन द वीडियो। एंड इसमें आपकी बॉडी को टिल्ट नहीं होना है, झुकना नहीं है एक साइड, आपको बैलेंस करना है अपनी बॉडी को, आप सपोर्ट ले सकते हो वॉल का। दूसरा भी आपका सीआरटी का नर्व की जिनको इश्यू होते हैं उसके लिए बहुत अच्छा स्ट्रेच है ये, पूरी साइड से पूरी थाई को स्ट्रेच करता है एंड ये इसको भी आप होल्ड कर सकते हो 5 से 10 सेकेंड्स के लिए होल्ड होता है, ठीक है। एंड बॉडी को स्टेबल रखना है, गिरना नहीं है एक साइड, एंड इसके लिए आप वॉल का सपोर्ट ले सकते हैं। एंड फिर उसके बाद आपका जो आता है वो आता है कॉर्ड स्ट्रेच। इसमें बॉडी को ना स्ट्रेट रखना है, आपका टॉर्सो भी स्ट्रेट रहना चाहिए, टॉर्सो को नीचे झुकाना नहीं है, दैट मीन्स योर बैक, एंड यू हैव टू टो को आपके स्ट्रेच करके रखना है प्रॉपर, ठीक है, पॉइंटेड रखना है। अगर आप सपोर्ट ले कोई वॉल का तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा ये कि आप उस तरह से बैंड कर रहे हो अपने नी। इसके बाद जो आपका आता है वो आता है जो दूसरा स्ट्रेच है, दैट इज़ लंज स्ट्रेच, ठीक है। लंज स्ट्रेच में कुछ नहीं करना है, लंज पोजीशन में आना है, मेक अ 90 डिग्री बिटवीन योर लेग्स एंड देन अपनी नी को फॉरवर्ड लेके जाना है एंड हिप डिप होगा इसके अंदर। व्हेन यू कम बैक देयर इज़ अ हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच होगी, आप पीछे की साइड बैठोगे एंड अपना एक जो लेग होगा वो स्ट्रेट कर लोगे, जैसे कि हम दूसरे वाले लेग में देखते हैं दोबारा से क्या हुआ था। पहले आप आगे जाएंगे, इसमें हिप स्ट्रेच होगा प्रॉपर, फिर उसके बाद आप जिस नी को आपने बैंड किया था उसको स्ट्रेटन करोगे, बिल्कुल लॉक कर लोगे एंड देन बॉडी को आगे झुकाते हुए टो को स्ट्रेच करोगे टुवर्ड्स यू, ओके।
सेम इसको होल्ड करना है 5 से 10 सेकेंड्स के लिए अगेन, एंड इसके रेपिटेशंस कर सकते हैं आप. सो नाउ वी हैव अ बटरफ्लाई स्ट्रेच, ठीक है. इसमें आपने दोनों पैरों को जोड़ना है एंड जो आपके फीट होंगे वो टुगेदर होंगे, एंड जितना कोशिश कीजिए उसको अपने टुवर्ड्स योर बॉडी लेकर आना है इसको, एंड उसके बाद बॉडी को आगे टच कराने की कोशिश करनी है, अपने हेड एंड टो को टच कराने की कोशिश करनी है. जब आप ये करोगे तो उस टाइम पे आपको एक्सहेल करना है, बॉडी को एक्सहेल करते रहना है, एक्सहेल करते करते धीरे धीरे अपने आप को पुश करना है नीचे आने के लिए, एंड देन ओपन आर्म्स कर सकते हो आप अगर आप अच्छे से पहुंच पा रहे हो तो. फिर उसके बाद है सिंगल लेग फॉरवर्ड बैंड, ठीक है. डबल लेग फॉरवर्ड बैंड, ये दोनों फॉरवर्ड बैंड होते हैं आपके, ठीक है. इसमें आप डबल स्प्लिट करके आप देख सकते हो फ्रंट से आपको आगे जाना है, एंड इसके बाद है आपका सिंगल लेग जो आएगा आपके इसके बाद. इसके अंदर आप साइड स्ट्रेच भी कर सकते हो, ठीक है. जैसे कि आप ये देख रहे हो ये अगेन फॉर द हैमस्ट्रिंग एंड गुड फॉर द साइड ऑब्लिक्स बेसिकली आपके, ठीक है. उसको स्ट्रेच करेगा. अगर आप नहीं टच कर पा रहे हो दैट इज़ ओके, कोशिश करना है कि टच करनी है, बट अगर नहीं हो पाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसके बाद आपका हिप स्ट्रेच, एक लेग को स्ट्रेट रखना है, दूसरे लेग को बेंड करके साइड में रखना है, एंड देन उसको अपनी तरफ खींचना है, पुल करना है अपनी आर्म्स के हेल्प के थ्रू, ठीक है. एंड इसको भी होल्ड करना है काफ़ी देर तक, एंड ये आपके ग्लूट्स को रिलैक्स कर देगा. काफ़ी अच्छा है ग्लूट स्ट्रेचेस के लिए, बॉडी अच्छा फील करती है इसके बाद. नेक्स्ट इज जिसमें फॉरवर्ड बैंड प्रॉपर करना है, दोनों लेग्स फ्रंट में हैं, एंड देन उसके बाद टोज को पकड़ते हुए यू गेट डाउन एंड टच योर नी विद योर हेड. अगर नहीं होता है कोई बात नहीं. नाउ सिंगल लेग फॉरवर्ड बैंड अगेन बैठ के हम लोग करेंगे, एक नी बैंड होगा एंड एक नी स्ट्रेट रहेगा, एंड इसके अंदर आपको दोबारा अपना टो टच करते हुए हेड को नीचे टच कराना है. अगर नहीं होता है कोई बात नहीं, एंड नी शुड बी लॉक्ड एट द टाइम, एंड ब्रीदिंग टेक्निक इज यू आर एक्सहेलिंग एट द टाइम. उसके बाद आपका अगेन एक ग्लूट स्ट्रेच है, इसे हम पीजन स्ट्रेच भी कहते हैं, एंड दिस इज पीजन स्ट्रेच एंड ये हम चाइल्ड पोज के साथ करेंगे. सो पीजन स्ट्रेच विद चाइल्ड पोज. फाइव टू टेन सेकेंड होल्ड अगेन. अगर ये नी बेंड करके नहीं होता है तो आप नी को नॉर्मली बेंड करके कर सकते हो, ठीक है. उसके बाद आपका दूसरे लेग से आप देख सकते हो कि कैसे हुआ था. अगर वहाँ से विजिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है तो आप यहाँ से देख सकते हो कि कैसे था कि एक नी बेंड है एंड दूसरा नी बिल्कुल पॉइंटेड है एंड लॉक्ड है. एंड अगेन पीजन स्ट्रेच विद टाइल पोज. दिस इज़ वेरी गुड फॉर योर ग्लूट स्ट्रेचेस एंड चाइल्ड पोज इज़ गुड फॉर द शोल्डर. सो दोनों पूरी बॉडी एक तरह से स्ट्रेच होती है, एंड जिनको प्रॉब्लम है सियाटिका नर्व की अगेन, तो वो लोग इस चीज़ से रिड्यूस कर सकते हैं उस पेन को, एंड इट विल गिव द इंस्टेंट रिलीफ. एंड इसके बाद है आपका लोअर बैक के लिए स्ट्रेच है बहुत अच्छा, ठीक है. एंड लोअर बैक विद योर ग्लूट. सो एक पैर को आपको नी पे रखना है बेंड करके साइड में, एंड दूसरे नी को अपनी तरफ खींचना है, ठीक है. एज यू कैन सी ये आप खींच रहे हो उस तरह से, ठीक है. सो नेक्स्ट इज हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच. इसमें आपको जो पैर आपका नीचे है उसको आपको प्रॉपर 0 डिग्री पे लाई डाउन करना है, एंड दूसरे को आपको 90 डिग्री करना है, एंड देन होल्ड इट, ठीक है. अगर आप इसमें किसी का सपोर्ट भी ले सकते हो कि आप किसी वायर से या टॉवल से अपने फुट को खींच सकते हो अपनी साइड, एंड दूसरे वाले को ट्राई टू बी ऑन द फ्लोर, ठीक है. एंड कोशिश करना है कि दोनों एकदम अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें,
अगर इसका ऑल्टरनेटिव जान रहे हैं कि अगर हम लेट के नहीं कर सकते, बहुत डिफ़िकल्ट है, पहुंच नहीं पा रहे हैं, रीच नहीं है वहां तक, तो आप किसी चीज़ का सपोर्ट ले सकते हो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग. आप इसको कहीं भी वॉल पे पैर रख के आप कर सकते हो एंड फॉरवर्ड बैंड कर सकते हो, जिससे कि और अच्छा स्ट्रेच मिलेगा हैमस्ट्रिंग पे. सो हैमस्ट्रिंग के लिए बहुत ही अच्छा स्ट्रेच है, एंड हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेच बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ज़्यादातर सोरनेस चलने में बैठने में ज़्यादातर सोरनेस हमारी हैमस्ट्रिंग में होती है, और हैमस्ट्रिंग जब टाइट हो जाती है तो उसकी वजह से काफ़ी सारे पॉस्चरल डिफॉर्मिटीज पैदा हो जाती हैं. सो इसके बाद है आपका, आपने दोनों पैरों को स्प्लिट करोगे, एंड ये आपके इनसाइड थाई के लिए है, इनसाइड थाई स्ट्रेच है ये आपका, ठीक है. दोनों पैरों को जितना स्प्लिट हो सकता है उतना कीजिए, एंड देन गो डाउन, एंड सर को अपने थाई के बीच में रखना है, एंड उसके बाद आप साइड से साइड टच करा सकते हो अपने हेड को, जिससे कि बहुत बेटर स्ट्रेच होगा वो. इनसाइड थाई इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेच, बिकॉज ज़्यादातर सोरनेस जो होती है इनसाइड थाई की स्ट्रेचेज हम भूल जाते हैं और नहीं करते हैं, तो वहाँ पे सोरनेस इकट्ठी होती रहती है, जिसकी वजह से स्क्वाट में बहुत प्रॉब्लम आती है जब नीचे की साइड बैठते हैं. सो दिस इज़ वन लेग इनसाइड थाई स्ट्रेच. आप एक साइड सारा लोड डालेंगे एंड दूसरा फुट आप देख सकते हो जैसे कि जहाँ पे मैंने हाथ रखा हुआ है वहाँ पे वो स्ट्रेच हो रहा है. सो दीज आर द 2-3 स्ट्रेचेस फॉर द इनसाइड थाई स्ट्रेच, विच इज़ वेरी गुड टू डू, एंड थोड़ा डिफिकल्टी हो सकती है, धीरे धीरे आप समझ में आ पाएगा कि ये कैसे करना है, बट इट कम्स विद द प्रैक्टिस. फ्लैक्सीबिलिटी में प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है, अगर आप डेली ये चीज़ें करोगे तो ही आप इन चीज़ों को मास्टर कर पाओगे. एंड इसके बाद आपका आता है चक्रासन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पोस्टीरियर चेन, एंड पोस्टीरियर चेन को आपका स्ट्रेच करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, एंड जिसमें कि आप देख सकते हो कि प्रॉपर आपको डी बनाना है, सर्कल बनाना है एक तरह से. अगर आप सिंपल खड़े होके भी कर सकते हो दैट इज़ ओके, अगर आप फ्लोर से उठना चाहते हो तो फ्लोर से उठ के भी कर सकते हो. इसके बाद आता है आपका वॉल काफ स्ट्रेच, ये दो टाइप से होता है. अगर आपकी एंकल मोबिलिटी बहुत अच्छी है तो आप इस तरह से कर सकते हो, ये जो नी को है आपको अपने वॉल की साइड लेके जाना है, एंड जो जो नेक्स्ट फुट है वो स्ट्रेच होगा, उसका काफ स्ट्रेच होगा, ठीक है. एंड इसको आपको जब भी आप वर्कआउट करने जा रहे हो उससे पहले भी कर सकते हैं, वर्कआउट के बाद भी कर सकते हो, क्योंकि काफ स्ट्रेच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चलते फिरते भी आप कर सकते हो. एंकल मोबिलिटी बहुत अच्छी है, ऐसे इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो आप ये दूसरा वाला ट्राई कर सकते हो, एक्सरसाइज फॉर द काफ, जिसमें कि आपको एक एंकल बनाना है, वॉल से टच कराना है फुट को, एंड देन अपने हिप्स को पुश करना है टुवर्ड्स वॉल, एंड देन होल्ड इट फॉर 5 to 10 seconds. एंड इसके बाद है आपका फॉरवर्ड बैंड, स्टैंडिंग फॉरवर्ड बैंड, एंड काफ़ी लोगों को डिफ़िकल्टी होती है, बट व्हेन यू एक्सहेल एंड एक्सहेल करते करते आप नीचे जाओगे तो आप ये धीरे धीरे अपने टो तक पहुंचने लग जाओगे, देन टो के बाद फ्लोर को टच करने लग जाओगे, एंड देन उसके बाद इसका थर्ड प्रोग्रेशन है कि आप अपने हेड को भी टच करा सकते हैं नीचे. सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो और आपको ये सारी एक्सरसाइज हेल्प कर रही है टू इम्प्रूव द फ्लेक्सिबिलिटी एंड रेंज ऑफ मोशन एंड मसल्स में थोड़ा सा सोरनेस जो है, टायर्ड है जो मसल्स, उनको रिलीफ दे रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए, एंड अगर बहुत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ शेयर विद योर पीपल, विद योर फ्रेंड, विद योर फैमिली, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.